अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 4 दिसंबर 2013 के दिन जब साइंसदानों ने HD 106906B सियारे को ढूंढा, तब इसके बारे में जानकर पूरी दुनिया के साइंसदानों के होश उड़ गए। उनके मुताबिक जैसा ये अजीब सियारा है, वैसे सियारे पूरी कायनात में नहीं हैं, जिसकी वजह से इस सियारे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और इसके अलावा भी साइंसदानों ने बहुत अजीबोगरीब सियारे ढूंढे, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन अजीब सियारों के ऊपर मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूं और ये स्ट्रेंज प्लैनेट पार्ट 4 है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं Kepler-10b की। ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर ढूंढा गया पहला हमारी जमीन जैसा सियारा था, जिसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने ढूंढा था। जब कोई सियारा अपने स्टार के सामने आता है तो उस स्टार की रोशनी कुछ देर के लिए कम होती है, जिसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप नोटिस करके ये पता लगाता है कि वहाँ कोई सियारा उस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। और साइंसदानों ने 10 जनवरी 2011 को Kepler-10 को ढूंढा था। ये बात आप जान लें, ये सियारा हमारी जमीन से 1.4 गुना ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर हमारी जमीन की तरह पहाड़ भी मौजूद थे। इसके अलावा साइंसदानों को पता चला कि ये सियारा अपने स्टार को 0.48 डे से ऑर्बिट करता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये सियारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, यानी ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से यहाँ पर पानी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है और ये एक जहन्नमी सियारा है। इसके बाद बात करते हैं J1407b की। इस सियारे को सुपर सैटर्न भी कहा जाता है। एक तो ये सैटर्न से कई गुना ज्यादा बड़ा है और इसके गिर्द 37 रिंग्स मौजूद हैं, वो भी 12 करोड़ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। और ये रिंग सैटर्न के रिंग से 200 गुना ज्यादा बड़ा है। ये सियारा हमारी जमीन से 434 लाइट ईयर दूर है और साथ ही इसका मास जुपिटर के मास का 40 गुना है, जिससे ये सियारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। साइंसदान का कहना है कि इसके रिंग्स में बहुत ज्यादा मून्स की फॉर्मेशन भी हो सकती है, यानी इस रिंग्स में कई हजार मून्स हो सकते हैं। इसकी फॉर्मेशन आज से 1.2 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी, यानी कायनात की उम्र के हिसाब से ये एक बेबी प्लैनेट है, क्योंकि हमारी कायनात की उम्र 13.8 अरब साल है। वैसे किसी भी सियारे की डिस्कवरी उसके स्टार की लाइट से होती है, क्योंकि जब ये सियारा अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो कुछ देर के लिए स्टार्स की रोशनी डिम हो जाती है, लेकिन 2007 में इस सियारे के स्टार की रोशनी 56 दिनों तक डिम होती रही, जिसके बाद साइंसदानों को पता चला कि इसके आसपास सैटर्न की तरह एक बहुत बड़ा रिंग मौजूद है। तब से ये सियारा सुपर सैटर्न के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद बात करते हैं TRAPPIST-1b की, जिसको ऑर्बिट करने वाले चांदों ने हमारे सोलर सिस्टम के बहुत सारे सियारों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इस सियारे के आसमान में 6 रेड कलर के चांद हैं जो इसे ऑर्बिट करते हैं, जिनमें से 3 अपने सियारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। वैसे अगर इस सियारे के सरफेस को देखा जाए तो वो रॉकी जरूर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गर्म है। लेकिन बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से ऐसा कहा गया है कि इस सियारे पर हमारी जमीन के मुकाबले में 250 गुना ज्यादा पानी मौजूद है। और इस सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे सियारों पर 5% पानी है, जिनमें 2 सियारों का पानी तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इस सियारे पर पानी भाप की फॉर्म में मौजूद है, जो इस सियारे को एक गैस जायंट बनाती है। इसके बाद बात करते हैं Corot-7b की। इसके ऑर्बिटर पीरियड ने साइंसदानों को हैरान किया हुआ है, क्योंकि ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ 20 घंटों में कम्प्लीट कर लेता है। इसकी डिस्कवरी भी ट्रांसिट मेथड के जरिए हुई थी। ये सियारा हमारी जमीन के मुकाबले में अपने स्टार के 60 गुना ज्यादा करीब है और इसका स्टार आसमान में 360 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, जिसकी वजह से इस सियारे का टेम्परेचर दिन में 4700 डिग्री होता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वहाँ मौजूद रॉक स्मेल्ट होकर भाप बन जाते हैं। अगर इसकी ठंडी साइड की बात करें, जब पत्थरों की भाप ठंडी साइड की तरफ जाती है तो वो भाप फिर से पत्थर बन जाती है, जिससे पत्थरों की बारिश होती है। अपने सूरज के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से ये अपने स्टार से लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ होती है और एक साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ होती है। गर्म साइड का टेम्परेचर तो 4700 डिग्री है, लेकिन ठंडी साइड का टेम्परेचर तो -352 डिग्री फारेनहाइट है, जो बहुत बहुत ज्यादा ठंडा है। इसके बाद बात करते हैं GJ-346b की। इस सियारे का टेम्परेचर 822 डिग्री फारेनहाइट है, जो पानी को भाप बनाने के लिए काफी है, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतना गर्म होने के बावजूद भी इस पर पानी सॉलिड फॉर्म में मौजूद है,
जिसकी वजह से साइंसदान इस सियारे को बर्निंग आइस भी कहते हैं। इस पर मौजूद आइस जमीन के आइस से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन साइंसदान इसे एक स्पेशल आइस कहते हैं जिसका नाम IC7 है। साइंसदानों की एक स्टडी के मुताबिक ये आइस इस सियारे के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से बनी है और साथ ही इसकी हाइड्रोजन और हीलियम से बनी आउटर लेयर मिलकर मीथेन को बनाती है। लेकिन साइंसदानों ने इस सियारे की टोटल मीथेन से सिर्फ और सिर्फ 7000 गुना का मीथेन को ऑब्जर्व किया है। उनके मुताबिक यहाँ मीथेन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड हाई क्वांटिटी में मौजूद है जो इस सियारे की कोर की वजह से बनी है, क्योंकि इस सियारे की कोर बहुत ज्यादा गर्म है जो इसे बर्निंग आइस वाला सियारा बनाती है। इसके बाद बात करते हैं HD 106906b की। साइंसदानों के मुताबिक ये सियारा अपने साइज और अपने स्टार से दूर होने की वजह से मौजूद ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डिस्टेंस अपने स्टार से हमारी जमीन और सूरज के दरमियान डिस्टेंस से 650 गुना ज्यादा है और साथ ही इसका साइज भी जुपिटर से 11 गुना ज्यादा है। अपने स्टार से इतना ज्यादा दूर होने की वजह से इस सियारे का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है। साइंसदान इस सियारे को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान है, क्योंकि जिस तरह ये अपने स्टार से दूर है उसी तरह किसी भी गैस जॉइंट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं Kepler-70b की। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने गर्म सियारों की बात की है जिसमें पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन Kepler-70b कायनात का सबसे गर्म सियारा है और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इसका ऑर्बिट पीरियड आज तक ढूंढे गए सभी सियारों से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ये अपने स्टार को सिर्फ और सिर्फ 5.7 घंटों में ऑर्बिट करता है और इसका टेम्परेचर भी 12000 डिग्री फारेनहाइट है जो हमारे सूरज से ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर खड़े होंगे तो आप कुछ ही सेकंड में राख बन जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं Kepler-16b की। ये सियारा एक नहीं बल्कि दो स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इसे भी ट्रांजिट मेथड के जरिए ढूंढा गया था। जैसे ही ये अपने दोनों स्टार के सामने आया तो इसकी रोशनी कम हुई और ये पहली बार था जब हमने किसी दो स्टार वाले सोलर सिस्टम के गिर्द एक सियारे को ढूंढा था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे बाइनरी स्टार सिस्टम हैं जिनके गिर्द सियारे ऑर्बिट करते होंगे और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारी स्पिन जैसा कोई सियारा इन स्टार के गिर्द ऑर्बिट करता हो, यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्क को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।